हाय गाइस एम आई मोमिन वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ व्हाट्स अप फॉर वन हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ और बहुत ही एक हरी भरी एपिसोड के साथ क्योंकि लाहौर कलंदर जीत चुका है पीएसएल और मान भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हाँ। ने का कि आज हमें जरा ग्रीन चाहिए मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकी अम्मा लाहौर की हर किसी ने मनाया हारा था कभी उनकी स्टेटमेंट नहीं आई पहली दफा जीत गया तो खुश करना मना रहा कि पाकिस्तान एक भन भन के ना। के। से है

हाँ, अब ये जोक्स अपार्ट मैं ज्यादा खुश इस बात को लेकर हूँ बड़ी चीज है पाकिस्तान के और लिए और अब... हर हाँ साल हो रहा है क्रिकेट हो रहा है इतने बड़े लेवल पे और यहां भी में हुआ... तो खुशी की अच्छा, बात अच्छा, है वो खुशी की बात है उसको बढ़ते हैं आज भी बहुत ही ठंडा शो होने वाला है ठंडा कॉन्टेंट वाइज नहीं

मेरा जिसम मेरी मर्जी मैं जून की तपती धूप में जैकेट पहनूं मेरी मर्जी हाँ बट फिर आपकी मर्जी में एसी चला तो गर्मी गर्मी के तो सात बेचारे गर्मी वाले कपड़े पहन के बैठे उनको नाना मारे नहीं कुछ नहीं होता ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता बट नहीं खैर गर्मी गर्मियां भी आ चुकी है तो अच्छा हैप्पी समर्स मुझे वैसे समर्स कोई नहीं पसंद पर अच्छा मुझे समर्स ज्यादा पसंद है मुझे

लोगों की फीडबैक है तो मुझे नहीं पता मेरी एक फीडबैक जरूर है शो बहुत लंबा हो गया था किसी को कम बोलना चाहिए था सारा शो मैंने लंबा किया था बैठ के खेंच खेंच के लंबा करो लंबा करो मैंने कहा था मैं क्रैक से आई हूं मैं कुछ 6 हफ्ते तो का कंटेंट देके जाऊंगा ताकि

मैं आप सबको बताऊंगा वहां पे क्या क्या हुआ ईमान वहां पे नहीं गई थी लेकिन ईमान मोबाइल पे सब देख रही थी सब बताऊंगी मैं और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो ये सब कुछ होगा पॉइंट नंबर वन में लेकिन उससे पहले बात मैं करना चाहूंगा कुछ इल्जाम की जो हम लग रहे हैं कि आप लोग बाइस्ट हो आपके दोस्त है इमान उल अमर आप लोग प्रमोट रहे हो तो यार गैलेक्सी इज अ प्लेटफॉर्म दैट इज नोन फॉर इट्स अनबायस नेचर हम लोग बहुत सच्चे और खड़े हैं अपने मुंह खुद मियाँ मिठू बन रहे हैं लेकिन में, में। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इमरान और अमर दोस्त हैं सबा कमर यासिन नवाज जहां तो फैमिली बाकी जितने भी लोग हैं सबसे दोस्ती है तो yeah. ऐसा थोड़ी कि हम सबके दोस्त हैं हाँ, सब से से दें। है? exactly, हाँ, <laughs> ऐसे थोड़ी होता है दो साल पहले मुझे ज्यादा छलावा जो फिल्म आई थी तो सब ने कहा था कि इनका डायलॉग भी है फिल्म में यू नो ये बड़ी दोस्ती है, भी है इन लोग तो फैमिली के साथ तो ये लोग बहुत प्रो छलावा हैं ये लोग फिल्म को बहुत प्रमोट कर रहे हैं बहुत उसको एक फेक रिव्यू भी देंगे ये लोग बहुत एंटी रॉन्ग नंबर टू हैं वो है। साथ आई थी और प्रोच छलावाए हैं उनकी टीम को भी ये लगा था जो नवाजन टीम थे कि वो हम लोग ना उनके तरह एंटी हैं और प्रोच छिलाए लेकिन जब फिल्म आई तो वो अच्छी फिल्म थी रॉन्ग नंबर टू छलावा थोड़ी बुरी फिल्म थी हमने उसको अच्छा रिव्यू दिया इसको थोड़ा बुरा रिव्यू दिया तो हम लोग अपने काम के साथ बहुत ऑनस्ट हैं जब भी कभी कंटेंट या कभी रिव्यू हाँ। की बात होगी हमेशा हम लोग ऑनेस्टी होंगे exactly. हाँ वो अलग बात है कोई दोस्त की हाँ। मूवी आए तो बंदा थोड़ा देता है दोस्त exactly. हाँ। हाँ। दे की मूवी आई है बट फिर भी वो गलत मोट नहीं करेंगे अगर मूवी देखने बुरी लगेगी फिर हम एवं नहीं कहते रहेंगे जो जाकि देखेंसी फिर हम चुप से हो जाएंगे समझ और बहुत, अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छे सच सच रिव्यूज आएंगे और दम मस्त हमारे ट्रेलर लॉन्ची में प्रॉपर एक ग्रैंड फिल्म इवेंट हुआ एक रेड कार्पेट सजा था बहुत से सितारे दिखे एक इवेंट इवेंट हुआ और अच्छा लगा ऑब्वियसली तो इमान अशरफ अमर सिद्दीकी और अख्तर हुसैन के डायरेक्टर इतरामुद्दीन इस तरह बहुत से सितारे थे उन सितारों में कौन कौन था इमान फिर मेरे पे आ गया तू बताने लगा था सितारों में दिखे आपको हुमायूं सईद उर्वा हुसैन सोनिया हुसैन उश्ना शाह यासिन नवाज वजाहत रव निदयासिर शादी वजाहत हाँ। मोहम्मद मिर्जा सलम सईद कपल को तुमने लेदा कर दिया वैसे कपल को तो तो मैंने लेदा कर दिया किरण इमरान एमआई हाँ। शो की बेटर हाफ अगर हम हाँ। कपल्स की बात कर रहे हैं हाँ। और कौन था मैम मोहब्बत सनम कपल्स की बात कर रहे हैं बात कर दी मैंने मोहब्बत कर ली मैंने कहा चढ़नी सी अजय सनम जंग थी नदीम बेग थे कपल्स की बात करें हमारी सीट्स

उसके अलावा और हाँ? पर मैं एक बात कहना चाहूंगी जो सब लोग आए मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि ईद वाले जो सारे मूवीज हाँ। वाले एक दूसरे को सपोर्ट करने आ रहे हैं सारे मूवीज के लोग आए हुए थे हाँ। और सपोर्ट करे थे और एक और बंदे का मैं नाम अब जरूर लेना चाहूंगी सईद हाँ। उनके लिए स्पेशल एक कि वो हमेशा हर मूवी को प्रमोट करने जाते हैं मुझे पहले लगा इमरान के फ्रेंड इसलिए आएंगे बट पर्दे में रहने दो के भी गए वो प्रेमर्स पे भी जाते हैं हम काफी उनका एक, प्या, हाँ, एक प्यारे सिनेमा के लिए वो नजर आता है कि वो हमेशा जैसे हमायों सईद है वो फिर भी मतलब क्या हाँ

अब तो इवेंट के पहले बात करूं तो लेट काबे बहुत ही क्यूट मोमेंट देखने को मिले हाँ। पहले तो इमरान और किरन की, की, तो की एंट्री थी बड़ी पर... फिल्म में ऐसे भी से हाँ। वो टिकटॉक वो गाना लगा देना

तो किस तरह के, ना के को गैंगस्टर था लास्ट में वो गैंगस्टर है तो बड़ा वो लग रहा था कि वो संजू आ गया है आला रे आला सिम्बा आला सिम्बा गुंडा थोड़ी था उसे बबुल सो आ बस संजय दत्त का वो लग रहा था थोड़ा वो ए भाई वो क्या था जो गाना नहीं नहीं चल... सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ा के ऐसे लगता है क्या तो <laughs> इमान वैसे भाई तुम जो उस चेन वो नहीं थी अच्छी लगी वो वैसे लुक की बात कर अमर तो लुक की बात कर रहे हैं हमारी जो साड़ी की ये हॉट साड़ी कैसी लगी आपको अमर की लुक ईमान अमर की साड़ी वैसे प्यारी थी कलर वगैरह रेड बड़ा अच्छा लगता है मेरा रेड फेवरेट कलर है कहीं रिंग होगी मेन अदाकारी इमेज हमारी आवाम देखना चाहती है जो प्यारी बेटी जो अच्छी बेटी की इमेज होती है नहीं हाँ सही बात है कैमरे के आगे आपने इमेज को रखना होता है हाँ पीछे आप जो मर्जी करो बंद खिड़कियों के पीछे जो हमारी बात की अदकार करती है

अमल वो गलत बात वो है वो हां वाटर का भी होता है वो अनहेल्दी है बट कहीं ना कहीं वो देख देख के ना स्क्रीन पे लगता हाँ, है ऐसी होनी चाहिए बॉडी हाँ, तो वो फिर थोड़ा फील होता था कि साड़ी पहनी हुई है तो वो थोड़ा हाँ, बस हो गया फिर भी ऑन द लाइक डिड फील कि यू नो माइनस द थोड़ा रिवीलिंग वाला बट इट वाज अ नाइस लुक प्यारा लुक था प्यारा कलर था

जवाब बहुत कटिल थे जवाब ईद पे कुछ अमर ने जवाब दिए की ट्रेंड नहीं जो दो दिन में खत्म हो जाएगा ये एक कल्चर है ट्विटर में जो दो तीन दिन करेगा और खत्म हो जाएगा ये कल्चर है

और उसके साथ साथ जो फाइनेस्ट एक्टर्स भी है द मोस्ट वर्सेटाइल वी हैव इन आवर इंडस्ट्री इमरान अशरफ हाँ हाँ तो मुझे वो सारा अच्छा लगा कि इमरान सबकी उन्होंने कहा कि सब स्टार्स थे, मैं तब नहीं थी तो मुझे वो अच्छा लगा थोड़ा उनका अमर स्पोक रियली वेल अमर स्पोक रियली वेल क्योंकि अमर की एक से पहला

है है एक proper cinematic experience है, तो आप बड़ी छोटी ETH पे बड़ी छोटी छोटी तो <laughs> बड़ी देख छोटी छोटी पे स्किन में जाके देख सकते, जा सकते हैं तो, तो, मी, I loved the dialogues तो ने बड़े मजे के लगे बड़े मज़े के हा, हा, बीच में वो मैंने बड़े इन्जॉय किया

मतलब की एक स्मूथ जर्नी नहीं थी कि ये अच्छा ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। लग रहा था कहीं से भी कुछ ना कुछ हो रहा है टू hmm. मच हाँ मतलब कि कुछ सीन्स में चाहती कट हो जाते वो थोड़ा सस्पेंस ही रहता जैसे रह फिर वो शादी वाली बात भी आ जाती है कि वो तुम्हारे से शादी नहीं करेगी मतलब कि सब कुछ ही लग रहा है बता दिया उस तरह थोड़ा सा कट कर लेते स्मूथली और एक एंड पे जो सीन आता है इमरान अशरफ का hmm. लेकिन इस वो मैं चाहती कि ना आता शक्ल ना दिखाते पता नहीं पीछे से रह जाता थोड़ा एक वो सरप्राइज एलिमेंट होता मूवी के मुझे एंडिंग वाली बात में अभी इमरान करूंगा अशरफ ने फिल्म कराई है असल में तो बहुत एक बड़ी बात है की कमिटमेंट दिखाती है कि उसने अपने बाल शेव ऑफ कर लिए तो इस बात की या तो सरप्राइज एलिमेंट होते हैं फिल्म के अंदर या फिर मेरे ख्याल से जो एंट्री आता है ना वो कहते हैं बात स्टार आपको बनना था बन मैं गया

हमारे मित्र हमारे कराची के मित्र हाँ हमारे मित्र को तो देखेंगे हम लोग बड़ी स्क्रीन तो, तो पे आई थिंक द मस्त माय फेल्ट इज इज योर टिपिकल ईथ फिल्म अच्छी परफॉर्मेंसेस अच्छे गाने अच्छी केमिस्ट्री अच्छी राइटिंग हमारे so, yes. स्मार्ट गर्ल अच्छी कहानी लिखी होगी तो एक पूरा एक पैकेज है तो मेरे लिए तो ये एक थम्स अप है तो है ना अब गाने इसके आने वाले हैं अब कल इसका पहला गाना लॉन्च हो रहा है बल्कि आज जब एपिसोड आ, आ रही होगी तो आ चुका हो होगा कल देख सकेंगे तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की. <laughs> की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे पर्दे में रहने दो के ट्रेलर लॉन्च इवेंट की अगेन वहां पे मैं क्या हुआ था तो मैं बताऊंगा वहां पे क्या क्या हुआ इमान मोबाइल पे सब कुछ देख रही थी बल्कि मुझसे देख रही थी चार पाँच छह सोची कुछ और चीजें भी देख ली जो नहीं देखनी चाहिए थी मेरी तो दो आंखें थी ईमान की तो सात आठ आंखें थी ईमान हाँ। कभी इस पेज पे तो कभी उस पेज हाँ, पे हाँ, सारी खबरें ले रही थी क्या क्या खैर पढ़ते मैंने दो कह लॉन्च इवेंट हुआ कराची में गैन बहुत से देखने को मिले बताते कौन कौन देखने मिला हमें आप बताएंगे फिरोज खान थे बात कर ले कास्ट तो नहीं था अच्छा कास्ट अच्छा, कास्ट अच्छा, कास थी इसके अलावा कास्ट भी था बेसिकली उनकी वो टीम थी <laughs> और बाकी लोग कौन थे फिरोज खान थे उष्णा शाह थी निदाया यासिर थी इमरान अशरफ थे जावियार थे अदनान सिद्दीकी थे हुमायूं सईद थे वासी चौधरी थे सनम जंग थी जाले थी यशमा गिल तो मुझे जाले कहती हूं याले।, याले थी यशमा गिल थी अरीबा हबीब थी मोमल शेख थी तो काफी लोग थे फिर से मेरा खान भी आई थी पता है

तो दम मस्तम का प्यार था ना हाँ हाँ। तो दम मस्तम आ गए तो वो नहीं गए हाँ। चलो कुछ नहीं होता अभी अभी कुछ और आएगा प्रेमेश में कुछ होगा हाँ। तो आपस में खेलते रहेंगे अभी <laughs> तक तो होता रहेगा तो ये सब लोग आए मुझे अच्छा लगा सनम जंग की एक वीडियो मुझे बड़ी क्यूट लगी सनम जंग की कहती है अपना पेट छुपा रही बैग के साथ मुझे अपनी वाली बाई बाई तो अपना पेट छिपाई थी सरम जंग से भी मिला ना उस पर भी मिला था पहले मैं पे फिर तो मैं बड़ा घबराया हुआ था कि मुझे बड़ा डर लग रहा था उनसे कस <laughs> तो अम्मा ने बड़ी जरा उनके रिव्यूज तो नॉर्मली अम्मा ना कैटर्स को रिव्यू करती है बट यहाँ पे अन, अम, अन, अम्मा ने सरम की बड़ा प्यार से मिली उन्होंने कहा काम होता है आपका अपना अपना फिर नेक्स्ट जैसे मुझे पर्दे में रहें दो

हाँ डूबे इस तरह का इवेंट था कि बीच लग्जी में था भाई दरख्त थे और यू नो साथ साथ बहुत सारा पानी था और बिल्कुल जरा ना पर एक खुला खुला इवेंट था जरा आउटडोर था ऑब्वियसली बट आई डिड फील कि बहुत खुला होने का नुकसान भी था कि सिंस वो बहुत खुला था हाँ। तो लोग भी सारे आ गए थे तो बहुत <laughs> <laughs> ही <बहुत थी। laughs> ज्यादा खुल गया इवेंट वो मतलब कल था ना तो प्रॉपर बंद इवेंट था हा, एक बाउंड्री थी जिस तरह अंदर नहीं जा सकते टाइप्स के वो आपके मीडिया के लोग सब थे यहां पे बाकी फैंस भी आए थे व्हिच इज गुड फॉर द फैंस आई गेस बट देन अगेन वो बहुत ज्यादा गिचमिच मच गई थी यार एक शोस आए तो वो ऐसे ऐसे ऐसे

विच इज अनलाइक उष्णा क्योंकि वो बहुत नॉर्मल बड़ी रिजर्व सी बड़ी जरा अपने अपने में रहने वाली तो बहुत ज्यादा ना बड़ी वो हाइपर दिखी इट इज गुड एक तरह से परिजात की सीनिक भी बड़ी वो ऐसी दिखी मैं बट यहां पे शिवदे का चीता यहां से इधर इधर से उधर इधर उधर मैंने भी नोट किया था हर वीडियो में ना हर पिक्चर में लाइक वो भी होती थी इवन द मस्तम पे भी पर्दे में भी मतलब हां आई थिंक शायद वो ब्रेक ले रही थी अब फाइनली वो एनर्जी के साथ लाइक शी इज बैक टू गेट एवरीवन ओ मैं

जो गाना मुझे बड़ा पसंद था लेकिन गाने को शूट बिल्कुल सही नहीं किया कलर गेडिंग सही तबाह कर दी उसने हाँ, हाँ, अरे दिन मुझे प्यारा लगे दुनिया हसी लगने लगे दुनिया हसी।

अच्छा फिर हम ट्रेलर की बात अभी बात भी करते हैं कंटेंट की अभी हम थोड़े इवेंट की बात कर रहे थे तो इवेंट को होस्ट क्या दनानीर ने उनका पहला इवेंट था जो होस्ट

गुड तो उन्होंने होस्ट किया पूरा इवेंट को बड़ा अच्छा उन्होंने होस्ट किया किसी ने फायदा नहीं

में रहने है लड़की है छुपा गा रही थी बिल्कुल लड़की से आयमा वो थी वर्ष हां <laughs>

कल अगर को मैं करूं तो वहाँ पे सरम जंग पोस्ट करती। पे जंग कोई ना कोई बंदा भी होता या फिर वो दोस्त भी ज्यादा और मजा आता है बहुत अच्छा माहौल संभाला पर आया फेल्ट की जरा एक नॉच ऊपर इवेंट इवेंट था अगर ये उनके घर में होता बेसमेंट में

अली है तो प्यारे, हाँ। वो क्या एक्टिंग वाली बात एक डिफरेंट बट वैसे <laughs> नहीं वो मुझे ऐसे फिल्म के के लिए थोड़े वो उस तरह जरा खुला होना होना चाहिए सा नहीं होना चाहिए सा भी थी बैक उनकी बहुत ज्यादा बैठी थी उनकी जिप भी थी ये खतरा होता है

हाँ उनकी अपनी मर्जी है hmm. किसी को रोक तो, तो नहीं कर सकता बट वैसे अगर नहीं लोग पसंद करते तो, तो बेहतर था hmm. तो ये छोटा सा था, कि और, था, था। के के में और क्या था और से गाना, में गाना मैंने देखा मुझे मुझे इंस्टा भी नहीं मिला बट यूट्यूब लगा दी मैं और ये गाने सारे लगाते हैं पीछे नहीं वो वीडियो चल रही है तो उन्हें उस, उस पेज में बड़े स्मार्टली रिएक्शन भी डाले लोगों को पता नहीं अब असली हैं कि नहीं फिरोज बहुत ऐसे, ऐसे ऐसे देख रहे थे <laughs> तो, अब मुझे नहीं पता फ्रोज़ गाने के बाद फिरोज़ जैसे बड़े सेक्सी लोग देते हैं तो, अब मुझे नहीं पता उस गाने के बाद ज़रा ऐसे देखने लगे हूँ बट वो बड़े ऐसे मुझे लगा कि कुछ तो है

ट्रेलर, ट्रेलर का अच्छा। के अब फिल्म जिस तरह की थी ट्रेलर पे उन्होंने उन्होंने, उन्होंने उन्हों गाने को लगाया ना तो लग रहा है बड़ी कोई फेस्टिव सी फिल्म आ, आ तो में चलाकी रही है तो आश्चर्य चिराकी लड़ाई है ट्रेलर को देख के लगी पता नहीं कोई तरह की ईटाई फिल्म है तो मजा आ रहा है कि उन्होंने एक अच्छा इशू हाईलाइट किया है इनफर्टिलिटी वाला कि um, लोग सोसाइटी से बेहतर होगी जो टैबू था उस तरह स्टिकमाज अटैच होते हैं सोसाइटी प्रेशर्स वगैरह सब कुछ होते हैं सबको दिखाएंगे कि लोगों को भी बदलना चाहिए ना इतना बार बार पूछा करें बच्चों के बारे में कि क्या हो रहे हैं नहीं हो रहे नहीं did हो रहे हैं हल्का सा जरा प्रोडक्शन को थोड़ा बेहतर किया जा सकता था ये बात मेरी डे वन से थोड़ी है यू नो वन से टीजर के कि प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ी फिल्म की थोड़ी ऊपर हो सकती थी ये एक फिल्म है ये एक टेलीफिल्म एक ड्रामा नहीं है वो, वो घर भी वही हाँ, है वो, वो फिल्म वो ड्रामा वाला घर है मैं हल्का सा ना उसके प्रोडक्शन थोड़ा एक नॉच ऊपर लिया जा सकता था और मुझे बस ये है कि ये इस तरह की मूवी ईद पे वैसे मतलब कि जो है सब कुछ है ईद तो तो एक एक ईद फैमिली सा निकलेंगी, एक फेस्टिवल है में, जाके इन का, अच्छी बात है सोसाइटी में आप बनाना चाह रहे बट ईद पे ना करते हुए जैसे अब इशरत आ रही है की तरह ये आनी चाहिए थी मेरे ख्याल से कभी भी आ जाती है तो ये मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा और एक और बात मुझे डर लग रहा है की अली रहमान

खूबसूरती के लिए मैं देखूंगी मूवी हानिया के लिए देखूंगी होंगी जी तो मज़ा आएगा देखने का अगेन एक you know, मजे की फिल्म लग रही है आ, कुछ हमारे इश्यूज थे खैर हमारे दोनों फिल्मों के साथ हल्के थे ईद हाँ, like अच्छा तो पे बताएंगे हाँ, आपको आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पोस्ट नंबर थ्री की Hot 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे ईमान के फेवरेट सिंगर उजैर जसवाल के बारे में उनकी नई एल्बम का हुआ लॉन्च लाहौर में एक बहुत इंटरमेट से था, लेकिन वहां बहुत से इंडस्ट्री के हमें बड़े नाम देखने को मिले शान शाहिद सबा कमर आयमा बेग शहबाज शिगड़ी बिलाल शारी अली रहमान खान यासु जसवाल गरीब नवाजाइफ राबिया बहुत से सोशल मीडिया स्टार्स भी थे वहां पे वलिया फिजान यू खानो तो बहुत एक मजेदार सा इवेंट था और बहुत हमें इन्जॉय किया है पर अपने गाने सारे परफॉर्म किए और बहुत मजेदार गाने थे और माने मुझे उजैर का यू you नो know, गाने 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 सुना सुना काफी ज़रा ज़रा मुझे भी ज़रा पसंद आ चुके थे हाँ, उनको दोबारा गुनगुनाते हाँ, हाँ, हो, हो हो देख के मैंने और एंजॉय एंजॉय किया सारे इस तरह आप आप बस करते सुनते रहते आवाज़ ही बहुत अच्छी थ्री टू वन साल कुछ अजीब था दो हजार मैंने तुमसे कर लिया मेरा दिल था परेशान मैं भी थोड़ा, थोड़ा हैरान ये वक्त कैसे हम न चुन लिया <laughs> वक्त कैसे हमने चुन लिया इस साल वो कुछ अजीब था दो अच्छा मुझे वैसे वो गाना बड़ा पसंद है कहते हैं के प्यार तो बार बार होता है लेकिन फिर भी मेरा दिल <laughs> इंतजार, इंतजार, कर कर इंतजार अगेन तो मैं तो बहुत बुरा गाया बहुत बुर मुश्किल गाना था बड़े ऐसे दिल से, से गा रहे थे तो उजैन से हर गाने से पहले एक स्टोरी सुनाते थे बड़ा क्यूट लगता था वो पहले कहते थे

शानवी इतनी ठीक शानवी के ब्लाउज सो मच हुए यू लुक्स सो क्यूट टू गो थैंक यू ये इनके पहले नहीं थे शानवी का ये जाने उम्र है प्रशांत उनका यही उम्र है इसको थोड़ा सा करते कि तुम भी कुछ कर लो बेटा उनका यही एज है इट्स ऑल द प्लेजर मीटिंग शान हाय इट्स ऑलवेज साथ हमारा पोस्ट नंबर 3 होती है रातप और बर्टिंग टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 4 हॉट फाइव की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जिसका ट्रेलर आज लॉन्च हुआ और भाई मजा आ गया बात मैं करूं मिसेस एंड मिस्टर शमीम की जिसमें आपको नजर आएंगे सबा कमर और नमान इजाज इसको लिखा है साजिद गुल ने इसको डायरेक्ट किया काशीन निसार ने और ये आने वाला है Z5 पे कुछ दिन पहले खबर आई कि इसका इसका ट्रेलर ट्रेलर आने वाला है। है। हाँ। आज आ आ गया और 11 मार्च को शो रहा हालांकि हम कब से इसका इंतजार कर रहे थे खबर आए कुछ पता हाँ। चले जबकि वैसे मुझे और इस तरह के नाम बहुत है डिफरेंट नाम था वो लेकिन कितनी देर से हम सब इसका इंतजार कर रहे हाँ, थे कब एक, आएगा कब एक आएगा कब एक आएगा एकदम से आ गया ना हाँ, तुम बहुत मजा आएगा कि फटाफट आ गया तो ट्रेलर आज का लॉन्च हुआ तो क्या आपके हैं ईमान ख्याल बहुत मजे का ट्रेलर है बहुत मजे की जर्नी होगी इमोशनल रोलर हाँ, कोस्टर हाँ. होगा और जो एक्टिंग परफॉर्मेंसेज होंगी पूरी टीम की मैं बात करूं जब आपके पास सबा और नमान हो

मर्दानगी से भरपूर मजाक उड़ा रहे थे शमीम जूती बराबर नहीं है। हाँ तो मर्द शमीम की जूती के बराबर नहीं तो वो इस जिस तरह पावर पैक्ट उस तरह के उनका कैरेक्टर बड़ा हमेशा से स्ट्रॉन्ग होता है तो वो बड़ा मजा आएगा जैसे वो सबका सामना करेंगी और उनको जरा थोड़ा करेंगे और वो अब बाकी देख के पता चलेगा किस किस टॉपिक हाँ, है हाँ, मुझे हाँ, गया से फेमिनिन साइड लग रहा है बाकी मुझे नहीं पता क्या नुमान जास का कैरेक्टर किस का दिखाया ड्रामा देखे भी आइडिया होगा बट मजे का टॉपिक लग रहा है और सब लोग इसको बहुत पसंद करे मुझे एक थोड़ा सा मुझे छोटी सी मेरा लेजेंड है उनकी एक्टिंग no की में क्या तारीफ करूं छोटा बड़ी बात होगी कहानी क्या मुझे उनकी जो, <laughs> जो एज बैकेट उसी के आस पास का लड़का की होता मतलब बड़ी उम्र का एक आदमी है वरना कोई सबा के आस पास होता ना लड़का उसी एज का ज्यादा मजा आता आई थिंक जाहिद अहमद शाहिद नहीं जाहिद जाहिद नहीं जाहिद बहुत हीरो हीरो हैं ये बहुत एक समझ एक, एक क्यूट सा थोड़ा जिन थोड़ा ओवरवेट सा एक एक लड़का नहीं ओवरवेट वाली सेंस में नहीं कहा बट वो क्यूट से वाली में रिमाइंड आई है कि वो उन्होंने भी इसका इफेक्ट किया और तो वो शायद आई थिंक काफी अच्छा पुल ऑफ पुल ऑफ कर सकते हैं मां ज्यादा बहुत अच्छा किया बट मुझे बस लग रहा है कि वो थोड़ा बट बाप टाइप लग रहे हैं नहीं बाप नहीं बड़े भाई टाइप बट भाई उनका कैरेक्टर उस तरह का है बट मतलब कि हां बट हाँ वो लग रहे हैं तो उस अब डिपेंड करते हैं करेक्टर किस तरह हाँ। के उन्होंने क्या दिखाया हो सकता है उन्होंने का ही दिखाना हो तो ये बड़ी अब ये अब वो देख के पता चलेगा किस तरह का मेरा जो गिला था ना वो इस तरह का था कि मुझे बहुत लग रहा है पहले शूट हुआ बहुत पहले लग रहे हैं शूट, शूट हुआ है बचपन में शूट हुआ है सी फाइव के सारे पार्ट बने लाइक एच डी एच डी वाइब है ह्ते 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 और बड़ा अभी अभी शूट पर ये थोड़ा एच नहीं था लग रहा है मतलब के पता नहीं थोड़ा मुझे उस तरह ट्रेलर की क्वालिटी वाज़ वन जीरो पिक्सल आल्सो हां हां तो मुझे उस तरह थोड़ा फील हुआ के पता नहीं जरा दिस प्रोजेक्ट सही होगा ट्रस्ट मी प्रोजेक्ट सही होगा हां अच्छा होगा तो मैं वेरी एक्साइटेड हूं इतना क्रिस्पी नहीं था बट ऑन बहुत मजेदार एक प्रोजेक्ट आने वाला है और आएगा

था। एक, तो एक, एक चुड़ेल्स वाला एक, एक... नहीं आ गया तो क्या पांच से पहले ना हाँ 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 तो गया हाँ, तो और बहुत सी पाइपलाइन है मुझे अपना जी फाइव की देखा देखी हमारा भी कुछ कॉन थोड़ा अलग बेहतर हो जाए नहीं इनशाला उम्मीद कर सकते हैं सारे इतने मज़दार दीफा भी जा रहे हैं हमारे मजेदारो आने वाले मजा आएगा जो हमारे गए उस पर आना था अच्छा वहाँ पे बहुत मजदार बड़े जर्नलिस्ट के बारे में एक ड्रामा बन रहा है खाड़े के बाद प्रोजेक्ट देखे जो उर्दू फ्लिक्स है उनका भी थोड़ा डिफरेंट कॉन्टेंट लगता था मुझे और मुझे बता उनके उनके बजट इतने

मुझे भी इस पर डालना सूझता है सबसे पहले मैं ऐसे को अप्रिशिएट करूँगीज मैं मुझे एक मेरा गलत भी हो सकता है परसेप्शन ऐसे नान कहीं ना कहीं ना हर बंदे के साथ डिफरेंट हो जाते हैं कहीं ना कहीं बुरा भी ट्रीट करते हैं कहीं ना कहीं अच्छा तो मुझे था ओन नहीं करेंगे कि इनकी पहली मूवी साथ ऊपर से गाना, गाना, था, था, से आएंगे तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके पूरा बात की कि मेरे पुराने दोस्त मौका नहीं मिलता मिलने का वो भी अपनी लाइफ में बिजी मैं भी बिजी दो लड़कियां बहुत अच्छी वगैरह तो मैंने बहुत इंजॉय किया का बहुत अच्छी क्यूट स्टोरीज थी मिर्शी खान का बता रहे थे जब जी टी रोड गाना नहीं था ऐसे खान की गाड़ी में ना ऐसी नहीं था उनकी आल्टो थी तो मिर्शी खान के जो ने गाड़ी दी थी उसमें ऐसी था बट उन्होंने कहा ऐसन खान का दिल नहीं बुरा करती वो करतीसन के साथ बैठ के चली गई उनके मेकअप में पर पड़ गई सब <laughs> कुछ हो गया <laughs> पर तो गाड़ी में बैठी तो मुझे हमेशा ये बात बड़ी अच्छी लगती है है दिल पे है मेरे कि उन्होंने मेरी इज्जत रखी और मेरी गाड़ी में बैठी चली गई के बगैर तो बड़ी मजा कैसे क्यूट, क्यूट क्यूट सी बातें थी बहुत बहुत मैंने की बात करें इस फिल्म के सारे गाने हाँ, बहुत मजेदार के गाने बहुत मजे के थे उनकी वाली चीटी रोड लगा बारी खान बहुत मजे की है उनकी हर करारी, है। मैं करारी 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 मैं <laughs> और वीना मलिक की भी काफी बातें पता चली कि जो मेरे दिमाग में थी कि वीना एकदम गायब कैसे हो गई इंडस्ट्री में आ थी वो क्यों नहीं आई तो उन्होंने कहा जैसे लड़की प्यार से नहीं निकलती इस समय में अपने प्रोजेक्ट के प्यार से निकल गई मतलब एक दिन मैं उठी मेरा दिल्ली नहीं किया करने को कुछ ऑफ लव मुझे अच्छा। जिस भी प्रोजेक्ट से प्यार प्यार में आप करते हो ना काम तो मेरे दिल दिल्ली किया एक और बात मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी थी जब भी कोई प्रोजेक्ट मतलब कि वीना मलिक की ब्रांड से भरा हो जाता है मैं छोड़ देती हूँ बिकमिंग बिगर आई गेट स्केप्टिकल और मैं छोड़ देती हूँ Oh. कि वीना इज अ बिगर ब्रांड देन अ प्रोजेक्ट तो वो फिर नहीं करती oh. तो ये उनकी जरूरत थोड़ी बात थी फिर मिश्र ने बड़ा मजे का बोला कि मैं जब ड्रामे करती थी सुबह दस से लेकर रात दस बजे तक खाना मिलता नहीं था प्लास्टिक के बॉलों में देते थे <laughs> चेक मिलता नहीं था फोन करना फोन कभी बंद कर देना कभी साइन नहीं करना चेक को कभी भी कुछ, भी कुछ भी नहीं करना है। गंदे रोल मिलता वो शो करती है ना सारे कहते हमारे चेक का थे अभी बना लिखना भूल जाता था

तो वो मुझे खैर थोड़ा सा लगा था तो फिर उन्होंने कहा ये कह रही हूँ बाकी से कम्पेयर करता हूँ उन्होंने अपनी अपनी बातें करती बीच में उन्होंने कहा ना सिखाने की शादी करनी है तो किससे करवाएंगे जिसकी शादी हो चुकी है उसको मेरी यार आप लोग इनकी शादी जिनकी नहीं हुई उनके बारे में अपने ले रही थी तो मुझे मिश्री का बहुत मजे का लग रहा था तो बहुत मजे की फिर वीना ने वही पुरा, थोड़ी पुरानी बातें मिला लगी जो ख़िलाफ़ वीना के लाला इज शैम और फिर मिश्री ने कहा कि आमिर लाकत की बात और थी ना कि जब सांप बने थे अपने स्टेटमेंट दी थी तो उनका कैलिबर नहीं है इस तरह तो सांप बनने बनने वाला उन्हें एक लाइट चलाएं जो हिलती <laughs> होती है उसके करू अपनी जिंदगी के साथ तो ऑन द होल एक मजे का शो था, था। मैंने थोड़ा सम अप कर दिया है मैंने बहुत इंजॉय किया आप भी जाके की टाइमिंग के लिए देखे मिश्री ने जिस तरह सारी बातें बयान किया ना वो मैं उस तरह बयान नहीं कर सकूंगी बहुत मजे का शो था मैंने बहुत दिल से इंजॉय किया बहुत मजे का शो था और मैं मिश्री खान को मिलना चाहूंगी मुझे बहुत

गना और की फिल्म, जिंदगी तमाशा इन सब का एक ही जवाब है वेरी सुन कमिंग सुन अब मैं इनका कोई कॉन्क्रीट आपको डिटेल्स नहीं दे सकता सब इन द के है वो कहानी लिखी जा रही है मर्जेड अगेन, हाँ। जब आएगी तुम्हारे के नाम ग्रीन भी आना है तो आ जाएगा हाँ।

एक तो पेयर एक्साइटिंग में वैसे ज़रा एक्साइटेड किसी और चीज़ के लिए हुई हूँ कि वो जीओ पे मतलब डिफरेंट लोग हाँ, रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। ये वरना फेवरेट्स हाँ। होते हैं एक एक चैनल के वहीं पे घूम रहे होते हैं हां चार पांच लोग हैं वो उनके हैं उस इधर उधर से घूम रहे होते हैं पर अगेन अभी इट्स ऑल इन द एयर अभी कुछ लॉक नहीं हुआ विल बी नाइस टू सी अब हम शो को एंड करते हैं हां मैं उंगली ही है मेरा बोल रहा शो खत्म होता है जी आप ये क्या है इंस्टाग्राम हैशटैग अच्छा हैशटैग फीडबैक ऑन हैशटैग है करते what's the 411. <laughs> और मुझे फॉलो कर को बेशक ना करे और, और करें, इसने मर जाने मर देख सब्सक्राइब भी तो करना करें। करें, प्रेस करें और देखते रहे what's what's the the